सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अगर किसी का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, गुण देखने हो तो उसके साथ समय बिताओ, किसी की नीयत देखनी हो तो कर्ज दे दो, आदत देखनी हो तो स्वतंत्र कर दो। कंस से रिश्ते की शर्म करते तो कृष्ण भी उसे कभी मार नहीं पाते। बुराई का विरोध जरूरी है, चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो या कोई सगा संबंधी। जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील करवा देता है। आज का पंचांग 7 अगस्त 2021 दिन शनिवार, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि सम 7:11 तक रहेगी। इसके उपरांत अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नामक नक्षत्र सुबह 8:15 तक रहेगी। इसके उपरांत पुष्य नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:18 से 10:55 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:05 से 12:58 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य भी कर्क राशि पर ही रहेंगे। धनुराशि 7 अगस्त 2021 दिन शनिवार, आपके सामने इन दिनों कुछ नई चीजें आई हैं। अपने सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। पूछे गए प्रश्नों का जवाब दें। आपको अभी और भी प्रयास करने हैं और इससे आपकी तरक्की भी मजबूत नींव पकड़ेगी। इन सब के बीच खुद को तरोताजा करना और खुश रखना ना भूलें। पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधित परेशानी में आज सुधार महसूस करेंगे तथा दोबारा अपने व्यक्तिगत कार्यों में अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह पर अमल करना आपको उचित मार्गदर्शन देगा। आपको अपनी क्षमता का अंदाजा होने के बावजूद भी आप उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और खुद के द्वारा लिए गए निर्णय या किए गए कार्य की तारीफ लोगों द्वारा हो, इसी बात पर आपका अधिक ध्यान होने की वजह से जिन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है आप उन्हीं को ही नजरअंदाज कर रहे हैं। काम से जुड़े हर एक व्यक्ति के प्रति नकारात्मक भावना रखने की वजह से काम से संबंधित उत्साह आपका कम होने लगेगा। यदि पार्टनर खुद होकर रिलेशनशिप को ठीक करने के प्रयत्न कर रहे हैं तो आपको भी समझदारी दिखाने की आवश्यकता है। छाती से संबंधित विकार उत्पन्न हो सकता है, ध्यान रखें। परिवार के बीच समय गुजर सकता है। ऑफिस में सहकर्मियों का व्यवहार अनुकूलता लिए हो सकता है। आलस की अधिकता भी रह सकती है। सावधानियां, कोई अप्रिय समाचार मिलने से तनाव और भय जैसी स्थिति रह सकती है। कुछ समय मेडिटेशन में भी जरूर व्यतीत करें, इससे सकारात्मकता आएगी। विद्यार्थी वर्ग व्यर्थ की बातों में ध्यान ना देकर अपनी पढ़ाई पर फोकस रहें। बात करते हैं लव लाइफ की। वैवाहिक जीवन खुशनुमा रहेगा, साथी को मुलाकात का अवसर भी मिलेगा। आप जहाँ कहीं भी जाते हैं आपको अपने बीते हुए दिनों की याद दिलाने वाला कोई कुछ न कुछ मिल ही जाता है। जहाँ आपने अपने साथी के साथ प्यार भरा समय बिताया था, या तो कहा ही जा सकता है कि अब वह पुरानी बात नहीं रही है। उन बातों के लिए अपना मन दुखी न करें। कुछ चीजों को चाहते हुए भी नहीं बदला जा सकता, इसलिए उन्हें वैसे ही रहने दे जैसे भी हैं। कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों से मदद मिलेगी, लेकिन इस समय क्लाइंट को और अधिक बेहतर बनाने की जरूरत है। सरकारी सेवारत लोग किसी भी अनैतिक कामों में रुचि ना लें, अन्यथा किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। बात करते हैं सेहत की। आपके लिए आज कुछ सरप्राइज होंगे, लेकिन चिंता ना करें, ये सब अच्छे ही होंगे। कुछ ऐसी चीजें जिनके होने का आप काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं आज पूरी हो सकती है। आप जिस प्रयासों को व्यर्थ मान चुके थे आज उनका फल भी आपको मिल सकता है, इसलिए आज रात दोस्तों और परिवार के साथ सेलिब्रेट करें। हो सकता है कि उनके पास भी आपके लिए कोई अच्छी खबर हो। अपने सेहत का पूरा ख्याल रखें।
आज का उपाय, आज आप पीपल के पेड़ के समक्ष दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।